4000 से ऊपर जनप्रतिनिधि नगर निकाय के चुनाव में जाने से वंचित रह गए। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि ट्रिपल लेयर ओबीसी आयोग का गठन कर अति पिछड़े पिछड़े समाज को आरक्षण दे। नीतीश कुमार यह जानते थे कि अगर कोई कोर्ट में जाएगा तो नगर निकाय के चुनाव को रद्द होना ही, स्थगन होना ही है। आज अति पिछड़ा समाज का करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। नगर निकाय में वार्ड पार्षद हो कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर बनने से वंचित रह गया। अभी भी भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाने में समय की बर्बादी मत करिए, आप अविलंब जो है ओबीसी आयोग का गठन करिए, ओबीसी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को आरक्षण लागू करके जल्द से जल्द चुनाव कराइए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तात्कालिक नगर विकास मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट का हवाला देते हुए आग्रह किया था नीतीश कुमार जी से कि अविलंब ओबीसी आयोग का गठन करके और उसमें जो है जो रिपोर्ट के आधार पर अति पिछड़ा पिछड़ा समाज का आरक्षण करना चाहिए। नीतीश कुमार के जिद के कारण, तानाशाही के कारण जो महाधिवक्ता थे, जो विधिवेत्ता थे, उन्होंने भी कहा था कि नहीं, आयोग का गठन करके आरक्षण तय करना चाहिए जिससे कि अति पिछड़ा पिछड़ा समाज को आरक्षण भी मिल जाए नगर निकाय के चुनाव। लेकिन नीतीश कुमार की हमेशा से जिद रही है पदाधिकारियों के माध्यम से शासन चलाने का। जब पंचायती राज में समय पुर गया चुनाव का, तो सम्राट चौधरी जी जो हम लोग के नेता थे, उन्होंने जिद करके कहा नहीं, उन्होंने जो है समय बढ़ाया, जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि थे उन्हीं को अधिकार दिया। लेकिन नगर विकास विभाग ने मुख्यमंत्री के जिद के कारण प्रशासक बहाल कर दिया गया, वहाँ अधिकारियों को जो है पावर दे दिया गया। ये तानाशाही है नीतीश कुमार के जिद के कारण आज अति पिछड़ा पिछड़ा समाज का करोड़ों रुपया खर्च हुआ और चुनाव रद्द हो गया। हम फिर से मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से, आप समय की बर्बादी मत करिए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर समय की बर्बादी आप कर रहे हैं, आप आई वास कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, और जो आपके साथ के जो आप पार्टनर बने हैं वो आरक्षण के विरोधी हैं। पंचायती राज चुनाव में भी पूर्व में जब आरजेडी की सरकार थी तो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था आरक्षण लागू करने के लिए। लालू यादव की सरकार सुप्रीम कोर्ट चल गई थी आरक्षण को तोड़वाने के लिए और 10 साल तक पंचायत का चुनाव नहीं हो पाया था। इसीलिए आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है नीतीश कुमार के तानाशाही के खिलाफ, नीतीश कुमार के जिद के खिलाफ, और नीतीश कुमार के कारण जो आज पिछड़ा समाज आरक्षण से वंचित रह गया, उसके कारण जो आज हम लोगों ने पुतला दहन किया। और हम लोग फिर से मांग करते हैं कि आपका गलत रवैया के कारण आज अति पिछड़ा समाज आरक्षण से वंचित हो गया नगर निकाय चुनाव में। आप अविलंब जो है फिर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाकर समय की बर्बादी कर रहे हैं। आप अविलंब जो है आयोग का गठन करिए, ट्रिलियर ओबीसी आयोग का, उसको जल्द से जल्द उसका रिपोर्ट मंगवा कर जो है जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव। सरकार पूर्ण रूप से विफल है। नगर निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी हमारे हैं, बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं, नामांकन हो गया, लोग क्षेत्र भ्रमण करने लगे, अपनी अपनी क्षमता से अपना वोट मांगने लगे, और मेन वक्त पर ये चुनाव की तिथि को स्थगित करना ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सदमा है, लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव प्रहार है। सरकार को चाहिए था कि पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी आयोग का गठन करने के बाद चुनाव की तिथि की घोषणा करना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा ये का पुतला दहन किया जा रहा है और होना चाहिए कि नहीं, मैं आपसे भी पूछूंगा। इतना बड़ा अन्याय, कहते हैं कि कथनी और करनी में भेद नहीं है, वही महान है। कितना ये महान है कि आज पंचायत में वार्ड मेंबर का सदस्य है, उनके भी मन में रहता है कि चुनाव में
आरक्षण के आधार पर चुनाव हो ताकि सभी को उसका उचित लाभ का जो साजिश है। एक तरफ कहते हैं कि हम पिछा पिछा के मसीहा हैं और दूसरा तरफ ये नगर निगम का चुनाव और जो नगर निकाय है के गलती के कारण आज चुनाव करोड़ रुपया खर्च हुआ है। जितने भी हमारे पिछड़ा पिछड़ा है उनका करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आज चुनाव नहीं लड़ा आज वो वंचित रह गया केवल उनके कारण नीतीश कुमार गलती कारण। अब कहते हैं नीतीश कुमार का पे पिछड़ा पिछड़ा का पिछड़ा का मसीहा है। बताइए कैसे मसीहा है। कोर्ट आदि वोट को हम निश्चित प्रकार के सम्मान करते हैं। कोर्ट के आदेश के सम्मान करते हैं और जो हालात पैदा हुई है राज्य के अंदर में जो सारा लापरवाही किसी न किसी रूप में नीतीश कुमार का लापरवाही है।